हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग माई जियो ऐप से जियो पेमेंट बैंक आप कैसे खोल सकते हो। जियो पेमेंट बैंक में आप कैसे अकाउंट खोल सकते हो। आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलेंगे, UPI सिस्टम मिलेंगे, कैसे आपको इस्तेमाल करना है उसका एक कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको माई जियो जो ऐप है, यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक खोलने के लिए सुविधा देते हैं। माई जियो ऐप जो है, आपको पहले वो आपको इंस्टॉल करना है। आप इस अकाउंट खोलने के बाद आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कैसे खोलना है चलिए देख लेते हैं। आप इसमें वीडियो KYC के द्वारा आपका KYC कंप्लीट कर सकते हो माई जियो ऐप के द्वारा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर आपको मिल जाएंगे, IFSC कोड भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ्री डेबिट कार्ड आपको मिलेंगे, जो आपको इस ऐप के अंदर ही आपको इंस्टेंट मिलेंगे, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने के वक्त, ठीक है। तो आपको कैसे इस अकाउंट को खोलना है, तो आपको जो करना है, आपको पहले माई जियो जो ऐप है वो आपको पहले इंस्टॉल करना है। ये जो अकाउंट जियो पेमेंट बैंक अकाउंट, ये नया अकाउंट अभी हो रहा है, नया एक ऐप चालू कर दिया गया है, इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यहाँ पर आपको सिंपली आपका एक फ़ोन नंबर आपको डालना है, आपका जो भी जियो का फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आप जियो फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन में आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद जब भी लॉगिन बटन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएंगे, यहाँ पर आप लॉगिन बटन में सिंपली क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ करना है, कुछ परमिशन आएंगे। अलाउ करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएंगे, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है। OTP डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यहाँ पर आपको लोकेशन एंड स्टोरेज, ये दोनों आपको अलाउ कर देना है, इसके लिए प्रोसीड करना है। उसके बाद व्हाइल प्रोसेसिंग, उसके बाद अलाउ फिर से आपको करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, जिसमें आप आपका जियो जो आपका सिम है, उस सिम का ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे होम, मोबाइल, फाइबर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसको आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको UPI ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बैंक का, ठीक है। इसको स्क्रॉल करके लास्ट में बैंक वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको आपको अलाउ कर देना है। आपका फोन कॉल, SMS अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, कोई भी बैलेंस आप जीरो बैलेंस से खोल सकते हो, नो हिडन चार्जेस, फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिलेंगे, सैम्पल पेमेंट, सिमलेस पेमेंट आपको यहाँ पर करने की सुविधा दिया जाएगा। यहाँ पर चारों जो सुविधा है आपको मिलेंगे। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड जो ऑप्शन, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपको सिम चूज करना है, जिस भी सिम से आप खोलना चाहते हो इस अकाउंट को, ठीक है। तो आप जियो सिम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, आपके फोन में जियो सिम है। उसके बाद प्रोसीड बटन में आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सिम वेरीफाई यहाँ पर होंगे, OTP के द्वारा ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई आपका हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो सिम है, मेरा जो मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर MPIN आपको चूज करना है। आप यहाँ पर एक MPIN चूज करिए, वो MPIN को फिर से आपको दोबारा यहाँ पर कॉन्फर्म करना है। आप अगर फिंगरप्रिंट एनेबल करना चाहते हो, इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है, नीचे ऑप्शन है। उसके बाद MPIN देने के बाद, फिंगरप्रिंट एनेबल करने के बाद, आपको सिंपली नीचे प्रोसीड जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये जब भी आप इस ऐप को इस्तेमाल करोगे आप इसकी ज़रूरत होंगे, या पैसा ट्रांसफर करोगे आपको जरूरत होंगे। उसके बाद प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका UPI ID भी क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपके पास मैसेज भी आ जाएंगे UPI ID का। यहाँ पर देख सकते हो वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक इंडिया का नया बैंक, यहाँ पर ज्वाइन नाउ एक बटन दिया हुआ है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इस अकाउंट खोलने के लिए। ज्वाइन नाउ बटन में जब भी आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर और बैंकिंग यहाँ पर जरूरत होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन में सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो नीचे जो नेक्स्ट बटन है, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट बटन में आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट जो प्रोसेस, आपको तीनों स्टेप यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज में क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यहाँ पर टैप ऑन सेंड मनी आइकॉन, एंटर बेनिफिशियरी डिटेल्स, आपको फिर से लेट स्टार्ट आपको दिखाया जा रहा है कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद लेट स्टार्ट में आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर से आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएंगे, OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे आपके पास जो भी जियो सिम है उसमें। उसके बाद सबमिट बटन में आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन में क्लिक करते आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, आप यहाँ पर वो रीड कर सकते हो। उसके बाद आई एक्सेप्ट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद गेट माई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर, आप आपके डिजी लॉकर के द्वारा
आपका जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको गेट माय डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। डिजी लॉकर से आपका आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक अटैच होंगे। इसके लिए गेट माय डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन यहाँ पर साइन अप आपको बटन आपको दिया गया है। आप अगर पहले से डिजी लॉकर में अकाउंट बनाए हो तो आपको यहाँ पर आधार नंबर या फोन नंबर या यूजर नेम देके आप सेंड ओटीपी ऑप्शन में क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। अगर नए हो डिजी लॉकर में पहले अकाउंट नहीं था तो आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइन इन आप आईडी देके आधार नंबर या मोबाइल नंबर देके कंटिन्यू करिए। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएंगे, जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के कंटिन्यू बटन में आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू बटन में आप सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन में जब भी आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पर जो डिजी लॉकर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन होंगे। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन देना है। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करने के वक्त आप जो भी पिन सेट किए थे वही पिन यहाँ पर आपको डालना है 6 डिजिट का। पिन डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन में आपको क्लिक कर देना है। अगर पिन भूल चुके हो तो फॉरगेट माई पिन में क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है पिन देने के बाद। जो सबमिट बटन में क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। आपके सामने यहाँ पर ऐसा कुछ डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपको अलाउ बटन में आपको क्लिक कर देना है। अलाउ बटन में क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड में, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, जैसे आप मेल हो या फीमेल हो इंडिया, ऐसा कुछ आ जाएंगे। नीचे आप मेल आईडी अगर देना चाहते हो तो नीचे मेल आईडी का ऑप्शन, आप यहाँ पर आपका मेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हो। मेल आईडी डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो बटन है नीचे, नेक्स्ट बटन में आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सारा कुछ देने के बाद नेक्स्ट बटन में आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट डिटेल्स आएंगे, जैसे अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। जैसे सॉल्यूशन में आप अगर क्लिक करोगे आप मिस्टर मिसेस या मिस्टर हो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी टाइटल होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर देना है। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हो या मैरिड हो आपको यहाँ पर वो चूज करना है। उसके बाद आपका फादर का फर्स्ट नेम देना है जो भी आपके पैन कार्ड में है, और उसके बाद आपका फादर का अगर मिडिल नेम है तो दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर लास्ट नेम में आपका फादर का लास्ट नेम आपको देना है। तो सारा डिटेल्स है धीरे धीरे आपको फिल करना है। उसके बाद ये सारा कुछ डिटेल्स देने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको मदर का नेम भी देना है। मदर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो दीजिए, नहीं तो आपको मदर का लास्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है। तो सारा कुछ डिटेल्स आप धीरे धीरे फिल करिए। नीचे आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो देना है, आपका इनकम क्या है वो देना है। ऑक्यूपेशन में आप रिटायर्ड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, फार्मर हो, आपको सभी ऑप्शन मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, सब ऑप्शन आपको चूज करने के मिल बोला जाएगा। उसके बाद आपका इनकम क्या है आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेविंग्स क्या इनकम सोर्स है वो देना है। एनुअल इनकम आपका कितना है वो आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन चूज करने के बाद आई हैव रीड इस बॉक्स में, डिक्लेरेशन बॉक्स में चेक करके नेक्स्ट बटन में सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बटन में आप जब भी क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको देना है। उसके बाद आपके एड्रेस डिटेल्स आएंगे। एड्रेस डिटेल्स में आप आपका परमानेंट एड्रेस, आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो अगर सेम है तो ये एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। अगर सेम है तो यहाँ पर करेंट जो एड्रेस है इस सेम वाले बॉक्स में आपको चेक कर देना है, दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा। अगर अलग है तो आपको करेंट एड्रेस अलग से आपको डालना है, यहाँ पर टिक देने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट करिए। आपको यहाँ पर नॉमिनी अगर अभी ऐड करना है इस अकाउंट में तो यस करके आप नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर नॉमिनी ऐड डिटेल्स बाद में फिल करना है तो आप बाद में भी फिल कर सकते हो। नॉमिनी का यहाँ पर आपके साथ क्या रिलेशन है, नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डालना है, उसका एड्रेस भी यहाँ पर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करिए। आपके सामने पूरी फॉर्म यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएंगे। आप पूरी फॉर्म एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अगर कोई भी चीज़ अगर भूल होता है तो आपको ऊपर में एडिट बटन में क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। पूरी फॉर्म एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो नीचे यहाँ पर जो प्रोसीड बटन है, प्रोसीड बटन में सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड बटन में क्लिक करते आपका जो अकाउंट यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन। यहाँ पर वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन में आपके वीडियो कॉल के द्वारा आप वेरिफिकेशन ले सकते हो। यहाँ पर जो नंबर है ORN नंबर, आप इसको नोट डाउन करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बार मोबाइल फोन विथ कैमरा से आप अगर वीडियो केवाईसी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। प्रोफेशनल पैन कार्ड आधार कार्ड आपको दिखाना है, आप व्हाइट पेपर में आपको सिग्नेचर करके भी दिखाना है, और आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए वीडियो केवाईसी करने के लिए। वीडियो करने का टाइम भी नीचे दिया हुआ है, जैसे 9:30 से
8:30 बजे तक आप यहाँ पर वीडियो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन में क्लिक करना है। प्रोसीड बटन में क्लिक करते आपके सामने ऐसा कुछ पेज आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ क्या क्या जिन चीज़ की जरूरत है, जो भी मैंने बोला था वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद स्टार्ट कॉल विथ द एजेंट, कोई भी एक एजेंट के द्वारा आपके पास फोन आएंगे 3 से 5 मिनट के अंदर। और उसके बाद आपको एक व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है और आपको आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाना है, सिर्फ यही आपको करना है। उसके बाद स्टार्ट कॉल विद द एजेंसी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद एजेंट के द्वारा आपके पास फोन आएंगे। आप यहाँ पर आपका वीडियो KYC ऑन स्क्रीन में आप कर सकते हो। वीडियो KYC हो जाने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर पूरी तरीके से बन जाएंगे। वीडियो KYC हो जाने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो KYC कंप्लीट सक्सेसफुली मैसेज यहाँ पर शो होंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वेलकम टू पेमेंट, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप ऊपर में बैंक वाले सेक्शन में जाके भी आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड आप यहाँ से देख सकते हो। तो ऊपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको बैंक डिटेल्स में जो है बैंक में आप डिटेल्स में आप जब भी क्लिक करोगे आपके सामने बैंक का डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर आ चुका है। व्यू मोड में क्लिक करके आप यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और नीचे आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाला ऑप्शन में क्लिक करके आप आपका प्रोफाइल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सेंड मनी का ऑप्शन है, आप पासबुक यहाँ से देख सकते हो, ऊपर में ऑप्शन है। आप ऐड मनी में क्लिक करके आप यहाँ पर पैसा भी इस अकाउंट में ऐड कर सकते हो। जब भी आप प्रोफाइल वाले माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका यूनिक रिलेशन, अकाउंट टाइप, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, फोन नंबर, आपको पैन नंबर, आपका एड्रेस, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, जो आप बाद में यहाँ से काम में आपका आ सकता है। तो ऐसे ही आपको जियो पेमेंट बैंक में बहुत आसान और इजी तरीके से घर बैठे आप आपका अकाउंट 0 बैलेंस में खोल सकते हो, बहुत आसान और इजी तरीके से।